नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली को लूट लेने वाले मोदी की। भाजपा के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी का जादू आप सिर चढ़कर बोल रहा है। भोपाल के बाद अलग अलग स्थानों पर सभा करते हुए दिल्ली पहुंचे मोदी ने फिर धूम मचा डाली। मोदी को सुनने आए जनसैलाब को जिसने भी देखा वो देखते रह गया, और अब जिधर देखो उधर ही समूचे देश में दिल्ली की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि वाह मोदी जी, पहली सभा में आपने तो दिल्ली ही लूट ली। कांग्रेस की यूपीए सरकार अभी अपने बाबा यानी राहुल गांधी के कहे पर चिंतन कर रही है, जबकि इधर भाजपा के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी दिल्ली में घुस अपने राहुल के वार से घिराई यूपीए सरकार को ही गुरिल्ला नीति के तहत घेर कर वापस चले गए। मोदी ने दिल्ली में ऐसी जनसभा की कि वो देश भर के गलियारों में फिर चर्चा का विषय बन बैठे। मोदी ने दिल्ली की आवाम को झकझोर देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो दिल्ली के लोगों ने भी जमकर मोदी प्रेम का मुजाहिरा पेश कर दिया। मोदी को अभी तक कहीं ऐसी सफलता नहीं मिली जैसी सफलता के पंख उन्हें दिल्ली वालों ने लगा दिए। वैसे तो मोदी की हर सभा में ही लाखों की संख्या में जनसमुदाय जुट रहा है, लेकिन दिल्ली की सभा कई मायनों में खास कही जा रही है। मोदी ऐसे समय दिल्ली में सभा करने पहुंचे जब यूपीए सरकार प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल बाबा को लहूलुहान करने के लिए उनके तरकश में तीर ही तीर थे। पहले तो उन्होंने इसका भरपूर लाभ लिया और फिर आम लोगों की जमकर दाद बटोर ली। मोदी अंदरूनी मामलों पर तो बोले ही बोले, विदेशी मुद्दों पर भी जमकर बोले। उन्होंने यूपीए सरकार को डर्टी कहा तो प्रधानमंत्री को सरदार होते हुए बेअसरदार कह डाला। वो बार बार पानी पी पी कर देश के बिगड़े हालात सोनिया, राहुल और दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को कोसते रहे, और आमजन ये मान मोदी को चीयर अप करती रही कि मानो वो किसी क्रिकेट स्टेडियम में बैठ चौके छक्कों की बारिश होती देख रही हो। वैसे पूरे देश को सबसे ज्यादा प्रभावित किया मोदी की सभा में मौजूद भीड़ ने। जिसने भी ये भीड़ देखी वो अपने पैरों के नीचे जमीन देखने पर मजबूर हो गया। वैसे भाजपाई कैंप और दिल्ली के नेता मोदी के इस विराट व्यक्तित्व को देख हैरान है। पार्टी कार्यालय के गलियारों को ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने यह निर्णय सही समय पर लिया। जनसभा का नजारा पूरे देश में लाइव था, इसलिए मोदी की चर्चा हर गली हो रही है। कहा जा रहा है कि वह मोदी जी, मिशन 2014 का आगाज ही ऐसा है तो फिर अंजाम कैसा होगा। इन दृश्यों को देख सबसे ज्यादा बेचैन कांग्रेस है। पार्टी कार्यालय के गलियारों में हवाइयां उड़ रही है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो मोदी की टक्कर में खड़ा करे तो आखिर किसे, जो कम से कम कांग्रेस की ढाल का ही काम कर जाए। सबसे खास बात तो यह है कि मोदी के इस जलजले को भुनाने के काम में वो मुख्यमंत्री लग चुके हैं जिन्हें 2 माह के भीतर चुनावी अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना है। ऐसे में वो भी मोदी नाम की माला जप रहे हैं और ठान बैठे हैं कि इस बार की नैया तो मोदी ही पार लगाएंगे। ऐसे में पार्टी के गलियारे में बैठे कार्यकर्ता उस मीडिया को भी धन्यवाद देते नहीं थक रहे हैं जो आए दिन ये कहने से नहीं चूकते हैं कि ये मीडिया 5 वोट नहीं बढ़ा सकता। कांग्रेस इस बार टिकट वितरण में आम राय को तरजीह देने का मन बनाते दिखाई दे रही है। पार्टी अपने जमीनी लीडरों पर भरोसा उन लोगों से मिले फीडबैक के आधार पर कर रही है, जो विश्वास आम और खास लोगों के मुख से होता हुआ सीधे राहुल बाबा के कानों और आंखों के समक्ष रिपोर्ट के रूप में पहुंचा है। यही वजह है कि दिल्ली दर पर चल रही टिकट की उठापटक में वही नाम उभर कर सुर्खी बन रहे, जो नाम नेताओं के ना होकर सीधे आवाम के मुख से निकले। अब जैसे जैसे ये नाम चर्चाओं में आ रहे हैं, एक चुनावी महाकुंभ में आम जन की भागीदारी भी बढ़ती दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि जब कैंडिडेट मतदाताओं की पसंद का होगा तो फिर जीत भी उतनी ही आसान होगी। लगता है कांग्रेस मिशन 2013 को लेकर कुछ ज्यादा ही जमीनी हो चली है। कांग्रेस इस बार सारे के सारे जमीनी नेताओं को टिकट देकर परखना चाहती है। यही कारण है कि जिले की सभी 9 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस उन्हीं नेताओं को उतारने का मन बना चुकी है जो असल में जन प्रतिनिधि बनने लायक है। पार्टी अपने टिकटार्थियों को लेकर अब अंतिम बहस कर रही है, लेकिन जिस तरह के रुझान टिकट बंटवारे को लेकर दिल्ली से लेकर शहर के गलियारों तक चर्चाओं के माध्यम से पहुंच रहे हैं, उससे आम मतदाताओं के बीच संदेशा कुछ ठीक ठीक ही जा रहा है। मतदाता उत्साहित है, उनकी खुशी इसलिए भी गौर करने लायक हो चली है क्योंकि रुझान में आ रहे नाम वही है जो आम मतदाताओं की ओर से हर वर्ग ने सुझाए थे। ये वही नाम है जिन्हें लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल बाबा की टीम पहले ही सर्वे कर चुकी है। सर्वे के दौरान राहुल के सर्वेयरों ने असल नामों को चुन निकाला है। उन्होंने इसके लिए बाजार के साथ साथ हर आम और हर खास से चर्चा की थी और अब वही नाम टिकट बंटवारा सूची की वरीयता क्रम में जगह बना चुके हैं। 1 से कमलेश खंडेलवाल, 2 से चिंटू चौक से, 3 से अश्विन जोशी, 4 से सुरेश मिंडा
पांच से पंकज संघवी, राव से जीतू पटवारी, महू से अंतर सिंह दरबार, सांवेर से तुलसी सिलावट, देपालपुर से सत्यनारायण पटेल को स्थान मिला है। अब इन नामों में उलटफेर की गुंजाइश कम है। इसके पीछे कारण भी गिनवाया जा रहा है, वो ये है कि ये वो नाम है जो पांच साल से विपक्ष में रहते हुए सक्रिय है और बाकी नाम केवल चुनावी चेहरे के रूप में अपनी पहचान शहर से लेकर दिल्ली दर तक बनाए रखे हैं। मतलब अब तैयार हो जाओ राहुल ही फॉर्मूले पर काम करने के लिए। मिशन 2013 को फतह करने में अड़ी चोटी का जोर लगा बैठी बीजेपी अब बेहद अनुशासनात्मक तरीके से टिकट बंटवारे के काम पर लग चुकी है। संभावित नामों पर दिग्गजों ने मंथन शुरू कर दिया है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के दावेदारों के नामों की धुन छटी है, उस तरह का माहौल सत्ताधारी पार्टी के भावी उम्मीदवारों को लेकर कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई दे रहा है। जिले की नौ विधानसभाओं में एक सा हाल है, एक भी ऐसी नहीं कि जिसमें 100% ये कहा जाए कि यहां से यही नेता चुनाव मैदान में होगा। सत्ताधारी बीजेपी के पास अपने सभी विधायकों के रिपोर्ट कार्ड तैयार है। उसे ये पता है कि कौन विधायक या कौन नेता कहां से चुनाव जीत सकता है और कौन नेता कहां से लड़ भर सकता है। पार्टी ने महाकुंभ निपटाया और वो भी विपक्षी पार्टी कांग्रेस की तरह ही टिकट वितरण से जुड़े कार्य को महत्व देने निकल पड़ी है। बस अंतर है तो इतना कि कांग्रेस के टिकट बंटवारे का रुझान कुछ कुछ धुंध हटाता दिखाई दे रहा है, तो बीजेपी के आसमान पर पूरी धुंध ही धुंध दिखाई दे रही है। अकेले इंदौर जिले के गलियारों में चल रही चर्चाओं पर भरोसा करें तो एक भी ऐसी सीट नहीं है जहां ये दावा जताया जा सके कि यहां से ये नेता या ये विधायक दोबारा चुनाव लड़ेंगे। एक नंबरी गलियारों की कहानी सभी को पता है। कहने को यहां सुदर्शन गुप्ता भारी हैं, लेकिन टिकट किसे मिलता है ये कहने की जहमत उठाना कोई नहीं चाहता। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 को लेकर बेहद डांबाडोल स्थिति है। यहाँ रमेश मेंदोला, कैलाश विजयवर्गीय के साथ साथ छोटे विजयवर्गीय यानी आकाश का नाम लिया जा रहा है। तीन नंबरी गलियारों में फिर वही नाम दोहराए जा रहे हैं, जिसमें फिर कैलाश विजयवर्गीय, रमेश मेंदोला, मंदार महाजन जैसे नाम लिए जा रहे हैं। चार में मालिनी गौड़ के बाद नगर अध्यक्ष शंकर लालवानी तो कभी कभी एकलव्य सिंह गौड़ का नाम लिया जा रहा है। पांच नंबर में कभी महेंद्र हार्डिया तो कभी ठाकुर साहब यानी भंवर सिंह शेखावत का नाम चलाया जा रहा है। राव में फिर कभी मंदार तो कभी आकाश के साथ साथ जीतू जिराती का नाम लिया जाता है। महू से कभी आकाश तो कभी कैलाश के फेर में पूरी पार्टी देखी जा रही है। देपालपुर में मनोज और उनका पूरा कुनवा ही चुनाव मैदान में दिखाई दे रहा है। कोई कह रहा है प्रेम पटेल दावेदार है, टिकट उन्हें नहीं मिला तो वे बागी तक हो सकते हैं। मंत्री कैंप ने भी यहां से रामेश्वर गुड्डा और मनोज के साथी रहे चिंटू को विधायकी की हवा भर रखी है। सावेर में सावन सोनकर हैं, राजेश सोनकर हैं। रहे सहे सक्रियता के नाम पर साइलेंट मैन की भूमिका में सूरज कैरो भी हैं। अब ऐसे में पूरे जिले भर में एक ही चर्चा है कि जब कांग्रेस के कैंडिडेट उसे समझ आने लगे हैं तो फिर बीजेपी क्यों लेट है, क्या कोई टिकट का संकट है? आखिर दो नंबरी दादा से भिड़ने का मतलब क्या हो सकता है? जवाब आएगा तीन नंबर। जी हाँ, इन दिनों कुछ इसी आशय की चर्चा है समूचे शहर के गलियारों में गूंज रही है। दादा तीन नंबर में पिछले विधानसभा चुनाव के पहले से सक्रिय है, ये बात बच्चा बच्चा जानता है। और अब अमरदीप एकाएकी राजवाड़े आते आते तीन नंबर में घुस आए है। ये देख, दादा समर्थकों का पारा चढ़ा चढ़ा सा दिखाई दे रहा है और कहा जा रहा है दादा से भिड़ने का मतलब हमें भी समझ आ रहा है अमरदीप बाबू। अनंत चतुर्दशी पर निकले गणेश विसर्जन जल समारोह के ये दृश्य कुछ कहते हैं। जब भारतीय युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप मौर्य ने रमेश दादा को तकलीफ देने की कोशिश कर डाली, मौर्य ने उस दिन जो किया वो सबके सामने है। अमरदीप बड़ा भारी यानी मंत्री विधायक से बड़ा लवाजमा लेकर जल समारोह में आए, उन्हीं की भजन मंडली के आगे अपनी झांकी जमाते हुए खम ठोक कर चले गए। मंत्री समर्थकों को अमरदीप ने तकलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मंत्री के खास कहे जाने वालों ने जब अमर बाबू से कहा कि दादा से बात कर लो तो वो नहीं माने, तभी से ये चर्चा शहर के गलियारों में शुरू हो गई है। कहा गया कि दादा ये भोपाली अनुज अब उन्हीं के सामने खम ठोक रहा है। मामला यही नहीं रुका, अमर बाबू तीन नंबर के दूसरे छोर पहुंच अपना जन्मदिन भी मना आए तो मोर्चा अध्यक्ष के घोर विरोध कहे जाने वाले सुमित ने भी अपने एक समर्थक का जन्मदिन, वो भी मौर्य के जन्मदिन से दुगनी भीड़ के साथ मना डाला। इस आयोजन में भी फिर दादा की दावेदारी की चर्चा हुई। दादा को नहले पर देहला नहीं बल्कि इक्का कहा गया। पूरा पूरा टेंशन जिंसी के गलियारों तक पहुंचाने की कोशिश की गई, जो इन दिनों दादा से भिड़ने का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं।
वैसे ये बात सही भी है कि यदि अमरदीप मौर्य के दिमाग में 3 नंबर किसी भोपाली आका ने सजाया है तो कोई बुरा नहीं, लेकिन वो ये रण बगैर दादा के जीत भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये वही दादा है जिसके पास हर विधानसभा की जीत की चाबी है। बाकी तो सब हरल्ली पार्टी है, समझ रहे हैं ना अमरदीप बाबू। और अंत में बात करते कांग्रेस की। कांग्रेस यदि विधानसभा चुनाव में जबरिया वोट बटोरना चाहे तो सबसे सॉफ्ट टारगेट मेयर कृष्ण मुरारी मोघे हो सकते हैं। इन दिनों हर वर्ग इंदौर नगर निगम से संबंधित समस्याओं से जूझ रहा है, लोग परेशान है और समस्याओं से 2-4 हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस धरने करे, प्रदर्शन करे और निशाना साधे सीधे कृष्ण पर और बात बन जाएगी। बस यही चर्चा इन दिनों शहर के गलियारों में चर्चावीर फैलाने में जुट गए। इन चर्चावीरों की बात में दम भी है। उनका कहना है शहर में ज्यादातर पार्षद बीजेपी के, विधायक बीजेपी के और तो और मेयर भी बीजेपी के, फिर भी शहर का ये हाल, शायद यही देख मतदाताओं का मन पलट जाए। चुनावी साल में एक एक वोट का अपना महत्व होता है। मिशन 2013 का आगाज कांग्रेस के साथ साथ सत्ताधारी भाजपा ने कर दिया है। जिधर देखो उधर ही दोनों दलों के नेता चुनावी बिछात बिछाते दिखाई दे रहे हैं। दोनों दलों के नेता एक दूसरे के गिरेबान में झांकते फिर रहे हैं, लेकिन आम लोगों को हो रही परेशानियों की सुध कोई लेने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में अब शहर के गलियारों से ही एक राग निकलकर बाजार में सुर्खी बनने की कोशिश कर रहा है। कहा जा रहा है कि पूरे शहर में समस्याओं ने सिर उठा रखा है। ऐसे में कांग्रेस ही चाहे तो कृष्ण अर्थात मेयर मोघे पर निशाना साधकर जमकर वोटों की खेती कर सकते हैं। वैसे ये काम 3 नंबरी विधानसभा में एक बार किया भी जा चुका है, लेकिन इसमें अभी पूरी कांग्रेस कहीं भी शामिल नहीं है। 3 नंबरी गलियारे में नए नवेले इलेक्टेड NSUI के विधानसभा अध्यक्ष ने मोघे पर निशाना साधकर खुद का लंबा कुर्ता अवाम को दिखा दिया। वे अब दावा भी कर रहे हैं कि इससे पार्टी को विधानसभा चुनाव में फायदा मिलेगा। वैसे ये फायदा चाहे तो हर क्षेत्र में ले सकती है, बस जरूरत है भाजपा के कब्जे वाली परिषद के खिलाफ कांग्रेसी स्वर बुलंद कर मेयर पर निशाना साधने की। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।